For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. क्या टूटा? हाँ. क्या टूटा? अच्छा हाँ, नायरा का बर्थडे है और कायरव ने और लीजा ने और सभी लोगों ने मिलके नायरा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, जहाँ पे कायरव ने खुद अपने हाथ से केक बनाया है. फ्रूट केक, और फ्रूट केक से पुराना कनेक्शन है. नायरा को फ्रूट केक नहीं पसंद होता है, लेकिन कार्तिक हमेशा नायरा के लिए फ्रूट केक बनाते थे. तो नायरा कायरव का बनाया हुआ फ्रूट केक देख के इमोशनल हो जाती है, उसे कार्तिक की याद आती है. और बस वहीं पे सब बस नायरा को चीयर करने की कोशिश कर रहे हैं. कायरव बस मम्मा को हैप्पी देखना चाहता है. तो वहाँ पे लीजा एक छोटा सा गेम खेलती है, जहाँ पे लीजा बोलती है कि कैंडल को ग्लास में रखो और उसे ब्रेक करो, अगर कैंडल नहीं बुझी तो आप कोई भी विश मांग सकते हो जो पूरी होगी. तो नायरा वो चीज़ करती है और उसे लगता है कि कैंडल बुझ गई है और वो वहाँ से निकल जाती है थोड़ी सी अपसेट होकर. लेकिन बाद में कायरव वहीं पर देखता है कि कैंडल जल रही थी, बुझ ही रही थी. तो कायरव वहाँ पे फिर एक विश मांगता है. कुछ गुंडे हैं जो नायरा को परेशान कर रहे हैं, जो हफ्ता लेने आते हैं हर हफ्ते. वसूली करने आते हैं. एनीवेज, तो नायरा उनको हफ्ता देने से हमेशा मना कर देती है, क्योंकि वो गलत है और जो भी नायरा कर रही है वो सब लीगल तरीके से कर रही है, तो किस बात का हफ्ता. तो नायरा हर बार उन्हें ये बोल के भगा देती है. लेकिन पिछली बार जब वो आते हैं तब बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है. नायरा की मार पीट हो जाती है और नायरा उन गुंडों को मार देती है और बाहर के भगा देती है. तो अब बस वो बदला लेने के लिए सबको डरा रहे हैं, जिनके घर पर नायरा रहती है, लैंडलॉर्ड्स को डरा रहे हैं. तो वो लोग नायरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि घर आप छोड़ दो. तो नायरा ऑब्वियसली टेंस हो जाती है कि घर छोड़ के मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ रहूँगी, और जो वो कर रहे हैं वो गलत है. तो इसलिए नायरा एक बार लैंडलॉर्ड से बात करने जाती भी है कि हम कुछ नहीं होने देंगे ऐसा, और हम उनसे झगड़ा करेंगे. झगड़ा मतलब हम उनसे बात करेंगे, उन्हें जवाब देंगे, जिससे दोबारा वो ये ना कर सकें. ऐसा भी हमें देखने को मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने सपनों में कार्तिक को पूछ रही हैं कि क्यों तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया ऐसा. अच्छा, पता नहीं ऐसे सीन तो मुझे है कि नहीं. मैंने अपने शूट नहीं किया और अभी स्क्रिप्ट नहीं मिला है. बट एनीवेज, हर बार ऐसा ही होता है कि नायरा कार्तिक से बहुत प्यार करती है, और प्यार अपनी जगह है, नाराज़गी अपनी जगह है, प्यार थोड़ी कम हुआ है. तो उसको नायरा कार्तिक को याद करती रहती है, और हर बार ये चीज़ पूछती है कि क्यों उन्होंने वो सवाल पूछा था. क्योंकि नायरा को कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने वो सवाल पूछा था मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ तो है ना, और जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ प्यार भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहता. यही रीज़न है नायरा का जो वो कभी वापस नहीं जा पाते, क्योंकि उसे लगता है अगर एक बार भरोसा टूट गया मतलब बार बार टूट सकता है, आगे भी टूट सकता है. कायरव इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको और कार्तिक को मिलाने की, इतना ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अरे देखो ना कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है. इट सीम्स सो ब्यूटीफुल. थोड़ा सा डेंजरस है आज, साइक्लोन वायु मतलब इट्स कमिंग टुवर्ड्स मुंबई, सो इस वजह से काफ़ी सिक्योरिटी भी है बीचेस पे. बट यहाँ से देखने में व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है. थैंक यू सो मच. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.